Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing good. So today's video is all about get ready with me for wedding guest makeup look. So this is a very nice subtle makeup look which I'm going to show you. For the foundation, I'm using the Mamaearth foundation. This is one of the best foundation which I have tried. I have mentioned about this foundation zillion times. So जब से मैंने ये purchase किया है तब से मैं यही use करती हूँ. It is suitable for all the skin types and also for all season. So मैं dot dot करके पूरे face पर लगा दूँगी और Damn Beauty Blender से पूरे जो face पर foundation था उसको blend कर दूँगी. And this is how it gives you a very nice natural glow. For cheeks, I am using the Lip and Cheek Tint from Just Herbs. This is really very nice. Again, ये foundation और लिप एंड चिक टिंट कॉम्बिनेशन आई टोटली लव्ड इट. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही यूज़ करती हूँ. सो इट गिव्स यू वेरी नाइस नेचुरल कलर और फ्लश ऑफ कलर ऑन योर फेस. नेक्स्ट आई विल सेट एवरीथिंग विद दिस लूज पाउडर. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लूज पाउडर विच आई हैव ट्राइड. दिस इज़ फ्रॉम द मेबलिन एंड आई एम इन द शेड 1515. और पूरे फेस को मैं अच्छे से उसको सेट कर दूँगी ताकि जो फाइन लाइन्स है वो भी सेट हो जाए और स्वेटिंग भी ना हो. Again, to give more flush of color, I am using this blusher from Cuffs and Lashes. Again, this is very nice natural color which gives you a very nice glow. For the eyes, I am using the two palette. This is from the Sugar. So यहाँ पर मैं एक transition color लूँगी which is almost similar to my skin tone. उसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट एंड उसमें से मैं दो ब्राउन शेड मिक्स करके आई विल यूज़ ऑन माय आउटर लिड्स एंड आल्सो ऑन माय ट्रांजिशन टू गिव द मोर डेप्थ. अगेन फिर शुगर का ये पैलेट में से मैं शिमर कलर लूँगी और विद द हेल्प ऑफ फिंगर आई विल अप्लाई ऑल ओवर हाफ लीड एंड इनर कॉर्नर से लेके मिडल सेक्शन ऑफ आईज में अप्लाई करूँगी. देन आई एम टेकिंग अ ब्राउन जस्ट टू स्मोक आउट माई I am not using any sort of liner on my upper waterline. Or for the lower waterline, I am using my glam का blue काजल pencil because मेरे जो suit जो मैंने पहना था उसमें हल्का सा blue का tint था. Then I am using the inside की brow pencil और उससे मैं अपने brows को define करूँगी और जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा gap है उसको मैं fill out करूँगी और अच्छे से comb करूँगी to give that nice natural look. For the lipstick, I am using this plump lipstick. This is really very nice. The link for all these things will be there in the description box below. उसके बाद मैंने मस्कारा और जो सेटिंग स्प्रे है वो स्विस ब्यूटी का यूज़ एंड दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन बेल बटन टू गेट नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियोज़. बाय बाय.